वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार छात्रों, मैं कॉमर्स का फुल कोर्स करवाता हूँ, चाहे 11th हो, 12th हो, बीकॉम पार्ट वन, बीकॉम पार्ट टू या पार्ट थ्री हो, बस आप बने रहिए हमारे साथ। अभी मैं हायर परचेज सिस्टम का 11 नंबर क्वेश्चन बनाने जा रहा हूँ। क्वेश्चन दिया हुआ है कि जनवरी 10 को श्री पी चौधरी ने बंसल एंड कंपनी से एक संयंत्र किराए क्रय पद्धति पर क्रय किया। संयंत्र का नगद मूल दिया हुआ है 20,000, कीमत का भुगतान 6,384 तुरंत, शेष 5% की दर से 3 समान किस्तों में करना है। 1 रुपया 5% की दर से जो है ना 0.367215 की वार्षिक खरीद कर सकता है। तो क्वेश्चन में जो है इंस्टॉलमेंट नहीं दिया हुआ है, ठीक है। जब क्वेश्चन में इंस्टॉलमेंट नहीं दिया रहे तो हम लोग क्या करते हैं, इंस्टॉलमेंट निकालते हैं। इंस्टॉलमेंट निकालने का फॉर्मूला होता है इंस्टॉलमेंट, क्वेश्चन नंबर ये 11 है, इंस्टॉलमेंट। कैश प्राइस माइनस डाउन पेमेंट डिवाइड बाय, यदि 1 रुपया जो वार्षिकी का वर्तमान मूल है यदि 1 रुपया से कम रहे तो उसको हम गुणा कर लेंगे, यदि 1 रुपया से अधिक रहे तो हम भागा लगा देंगे। यहाँ पर 1 रुपया से कम है तो इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे इनटू परसेंट वैल्यू, परसेंट वैल्यू। ये कैश प्राइस दिया हुआ है 20,000 माइनस डाउन पेमेंट है 6,384 और गुना कर लेंगे हम 0.367215। ये होता है माइनस करने से 13,616 इंटू 0.367215, ये हो जाएगा गुना करने से 4,999.99 या अप्रोक्स लेके इसको हम 5,000 कर सकते हैं, ठीक है ना। ये आपका इंस्टॉलमेंट निकल गया। फिर आपको निकालना है इंटरेस्ट, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ कैश प्राइस ये 20,000 है, डाउन पेमेंट 6,384 घटाएंगे तो 13,616 आएगा। तो यहाँ पर इंटरेस्ट लिखते हैं 13,616 गुना कितना परसेंट दिया हुआ है, तो ये 5%, ये गुना करने से 680 पैसा हो जाएगा। तो किस्त आपका 5,000 निकल चुका है, ठीक है ना। इसमें माइनस कर देंगे हम अप्रोक्स लेके 681, ये हो जाएगा 4,319। फिर यहाँ लेस करेंगे 4,319, ये हो जाएगा 9,297। फिर निकालना है 9,297 का 5%, ये हो जाएगा 464 रुपया 85 पैसा। अप्रोक्स लेके आप 465 कर सकते हैं, किस्त 5,000 का है 465, 4 × 5 × 5 = 10, 4 4,500 4,500 4,535। इसको लेस करेंगे 4,762, तो किस्त है 5,000 का माइनस 4,762, 2 × 10 = 6 × 7 × 3 × 7 = 10, 238 रुपया इंटरेस्ट कहलाएगा। फिर आपको निकालना है डेप्रिसिएशन। तो आपने जो है प्लांट खरीदा है, प्लांट ये है 20,000 का, माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन, कितना परसेंट दिया हुआ है डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन 10% क्रमागत है, तो ये हो गया 2,000, 10% 18,000, फिर यहाँ पर माइनस 10% 1,800, 16,200, फिर यहाँ पर 10%
1620 बता दीजिए कितना होता है। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है सिर्फ और सिर्फ जर्नल एंट्री करने के लिए इन द बुक्स ऑफ क्या थे सी पी चौधरी ने, नहीं तो पी चौधरी यहाँ डी आर सी आर ये सब आप लोग लिख लेंगे। यहाँ डेट होता है पार्टिकुलर्स जो भी है 1110 तो आपने क्या किया है मशीन खरीदी है, मशीन अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, किसे खरीदी है बंसल एंड कंपनी से, बंसल एंड कंपनी कितने का तो 20,000 का। एलएफ का भी लाइन खींच ही दो ज़्यादा अच्छा रहेगा 20,000। नरेशन तो पता ही आप लोगों को, फिर आपने डाउन पेमेंट किया है बंसल एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू कैश 6384 बीइंग डाउन पेमेंट मेड, डाउन पेमेंट मेड। और जैसे ही दिसंबर आएगा फिर हम इंटरेस्ट का एंट्री करेंगे, हम इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बंसल एंड कंपनी, पहले साल का इंटरेस्ट है 681 रुपया 681 बीइंग इंटरेस्ट ड्यू। फिर आगे आपको पेमेंट करना है बंसल एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना है इंस्टॉलमेंट 5,000 का है। फिर आपको क्या करना है इन डेप्रिसिएशन का एंट्री करना है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी कितना 2,000। और लास्ट में क्या करते हैं जो भी नॉमिनल अकाउंट होता है जैसे इंटरेस्ट ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं उसका एंट्री होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो इंटरेस्ट है 681, डेप्रिसिएशन है 2,000, जोड़ के 2681 हो जाएगा। तो ये था एक साल का, फिर आपको अगले साल में सेम एंट्री करना है। यहाँ से लेंगे इंटरेस्ट टू बंसल, इंटरेस्ट यहाँ से 465 ले लेंगे हम, पेमेंट फिक्स है 5,000 रुपया। फिर डेप्रिसिएशन लेंगे हम यहाँ से 1,800, फिर जो है लास्ट में क्या करेंगे पीएल में ट्रांसफ़र कर देंगे। मतलब प्रत्येक वर्ष आपको चार एंट्री करना है इंटरेस्ट पेमेंट डेप्रिसिएशन और पीएल। इसमें और कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहा है, सिर्फ बोल रहा था जर्नल एंट्री करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।